के लिए उनको जाके ये बता देना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे नसीबा आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। है, वन मजदूर भी है, जितने इसमें संगठन आते हैं सभी के सभी हड़ताल में हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो दो दिन के हमारी स्ट्राइक है इसको सरकार ऐसे नहीं ले, क्योंकि हम स्ट्राइक करते हैं तो वो स्ट्राइक पर नहीं आते। हमारी ट्रेड यूनियन ने मीटिंग करके जब ये फैसला लिया था तो आज पूरे देश के अंदर दो दिन में की हड़ताल में बहुत सारी पब्लिक है, हड़ताल में शामिल है। हमारी रोडवेज भी बंद है, हमारी बिजली पानी सब कुछ बंद है, आज देख रहे हो। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, एक तो हमारे कर्मचारियों की, हमारी स्किम वर्करों की बातें सुनी जाए, इनको पक्का किया जाए, इनका न्यूनतम वेतन किया जाए, नहीं तो सरकार ने आने वाले समय में ये भूल कर ना बैठे कि भाई ये ऐसे ही है, हम ऐसे नहीं है। आज हमारे देख रहे होंगे ज्यादातर हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वही हैं, क्योंकि एक तो हमारा भलामणी का जो सीजन चला हुआ है उसमें भी हमारी महिलाएं बहुत सारी लगी हुई हैं, लेकिन हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता वे आज हड़ताल में हैं। और जो हम यहाँ से आह्वान करेंगे वो उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम नीचे तक लेके जाएंगे, सतर तक, गली तक, मोहल्ले तक, हर गांव तक और पड़ोस तक लेके जाते हैं, हम कोई भी अभियान करते हैं। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार को, कि इन कर्मचारियों से, इन मजदूरों से पंगा न लें। हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे मजदूर हैं, इनकी बातों को सुना जाए, इनको पक्का किया जाए, इनके जो ये चार लेबर कोड किए गए हैं इनको वापस किया जाए, वरना ये कर्मचारी आने वाले समय में, अब की बार तो हमने बीजेपी सरकार का जज्जर में ही सफाया किया है, वरना हम पूरे हरियाणा में सफाया करने में इनके देर नहीं लगाएंगे। और हमारी सरकार से मांग, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और लिपिको का जो 3500 का जो मुद्दा है वो विधानसभा में भी गूंजा है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और हमारा जो तीसरा जो मुद्दा है वो पुरानी पेंशन लागू की जाए, और हिमाचल का जो मुख्यमंत्री उसने कहा कि कर्मचारी अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़े और उसके बाद अपनी पुरानी पेंशन ले लें। और हम सरकार से मांग करते हैं, अगर सरकार समय रहते हमारी मांगों को लागू नहीं करती है तो हम 15 मई को शिक्षा मंत्री आवास पर यमुनानगर में आक्रोश प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सरकार नहीं चाहती है तो हम इससे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए नहीं। क्या नाम है? मोहित।